hello students in previous video we have learned how to measure the angles and we are doing worksheet number three and we have done four parts of question number one in which we have to measure the given angles by using the protector and i have given the remaining four parts of this question as a uh, for practice so, I hope all of you have done. So, let us uh, do these questions first and then we will move to the second question. So, here we have to measure the angles. So, how we can, uh, we have to measure? First of all, we will uh, put this center of the protector on the vertex. Now, most of the students do, uh, Do the mistakes मिस्टेक्स uh, while choosing the scale. वो क्या है proper scale जो है वो choose नहीं करते जिसकी वजह से उनकी mistakes होती है And second thing आपने protector को जब आप vertex पे रखेंगे तो किस तरह से रखना है that also you must नो अब कुछ बच्चे ऐसे रखेंगे तो so क्या ये ऐसे एंगल मेजर हो सकता है नो वी कॉन्ट मेजर एंगल इन दिस वे वाई बिकॉज जो दूसरे जो आम है वो हमारे प्रोटेक्टर के अंदर नहीं आ रही है सो so, हमें प्रोटेक्टर को इस तरह से वो पे रखना है सो so दट जो दूसरी आम है हमारी वो प्रोटेक्टर के स्केल के अंदर आ जाए नाउ आइदर यू कैन कीप द प्रोटेक्टर लाइक दिस अगर आप प्रोटेक्टर की लाइन को ऐसे रखते हैं जो आपकी बेस लाइन है इसको आपने वन आर्म पे रखनी है और फिर आप सेकेंड आर्म को चेक करेंगे वो कहां पर आ रही है और उसके बाद आप एंगल को मेजर कर सकते हैं सो हियर वी हैव कैप्ट द प्रोटेक्टर लाइक दिस सो फॉर दैट वी हैव टू मूव द बुक राइट फॉर आवर कन्वीनियंस एंगल मेजर करने के लिए कई बार हमें मूव भी करना पड़ता है रोटेट करना पड़ता है नाउ हाउ कैन वी मेजर इट लाइक like दिस अगर हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो ये हमारा जो प्रोटेक्टर का सेंटर है वो आएगा हमारे वर्टेक्स पे एंड बेस लाइन जो है वो किससे कंसाइड करेगी हमारी वन आर्म से वन आर्म से कंसाइड किया वो हमको नहीं नजर आ रही है हमें दिख रहा है कि ये यहाँ पर है सो so, अब हम कैसे कौन सा स्केल यूज करेंगे आम की जो डायरेक्शन है किस साइड को है आम की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड तो राइट साइड में जो जीरो है उस स्केल को हम यूज करेंगे राइट right साइड में जो जीरो है वो इनर है इनर स्केल हम यूज करेंगे अब सो so, यहाँ पर हमारा जो दूसरी आर्म है यू कैन सी एरो सो ये हमारी दूसरी आर्म आ गई है तो so, ये हमारी दूसरी आर्म पर है हमारी दूसरी आर्म जो है वो कितने पे आ गए जीरो टेन ट्वेंटी हम लोगों ने देखा जो इनर स्केल में हमारी जो सेकेंड आर्म है वो कहां पर आ रही है नाइनटी पे सो वट इज द मेजर ऑफ द एंगल डिग्री राइट एंड अगर बाई द वे कुछ स्टूडेंट इसको इस तरह से मेजर करेंगे हाउ कैन बी मेजर अगेन इन द सेम वे हम एंगल को किसी भी साइड से मेजर कर सकते हैं। किसी आम को हम बेस लाइन से कॉन्साइड करके मेजर कर सकते हैं नाउ वी विल मेजर द एंगल इन दिस वे सो हमने सेंटर ऑफ़ द प्रोटेक्टर को कहा रख दिया वर्टेक्स पे और वन आर्म कॉन्साइड कर रही है से एंड नाउ वी विल मेजर द एंगल सो एंगल को मेजर करेंगे अब हम कौन सा स्केल यूज करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने ध्यान रखनी है कि हम कौन सा स्केल यूज करेंगे सो so, जिस साइड को हमारी आर्म एक्सटेंड हो रही है यहां वर्टेक्स से हमारी आर्म किस साइड को एक्सटेंड हो रही है टुअर्ड्स लेफ्ट साइड राइट So, इस साइड को इस डायरेक्शन में जो भी जीरो आ रहा है जिस स्केल में जीरो है तो यहां पर इस डायरेक्शन में कौन से स्केल में जीरो है हमारा आउटर स्केल में सो वी हैव टू सी द आउटर स्केल राइट सो हम ये जीरो को कंसीडर uh, करेंगे आउटर स्केल यूज करेंगे सो so, अब आप देखिए कि हमारा जो आउटर स्केल में हमारा कहा पर आ रहा है दूसरी आर्म सो so, यहां पर आ रही है आउटर स्केल में चेक करेंगे तो हमारे सेकंड आर्म ये है सेकेंड नाम आउटर स्केल में क्या आ रहा है नाइनटी सो एंगल ऑफ दिस मेजर ऑफ दिस एंगल इज नाइनटी डिग्री सो मैंने दोनों तरह से बता दिया है और कैसे आपने uh, इसको मेजर करना है दैट इज अप टू यू कहीं से भी आप मेजर करेंगे आपका जो मेजर सेम आएगा आपका कभी भी एंगल जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा सो वट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल दैट इज नाइन्टी डिग्री राइट एंड वन मोर थिंग अगर आपको एंगल में बीच में बाकी एंगल्स में तो यू कैन सी हेयर यहां पर आपका पार्ट ऑफ अ सर्कल होता है राइट बट right? अगर ये यह आपको यहां पर ऐसे बॉक्स की तरह दिया है स्क्वायर बॉक्स की तरह आपको गिवन है तो ये शो करता है कि द गिवन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री ये भी एक पहचान होती है बट हेयर यू हैव टू मेजर द गिवन एंगल नाउ नेक्स्ट वन आट दस मेजर इट सो वायसे एंगल्स को मेजर करने के लिए आपको बुक को रोटेट करना पड़ेगा फॉर योर कन्वीनियंस बाकी आप ऐसे भी मेजर कर सकते हैं अगर आप जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी यू कैन ऑल्सो मेजर लाइक दिस राइट तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप ट्रैक्टर को किसी भी डायरेक्शन में रख के इजिली कर सकते बट आप अभी सीख रहे हैं तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बुक को रोटेट कर लीजिए एंड देन कीप द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट द वर्टेक्स एंड योर वन आर्म शुड द बेस लाइन राइट बेस लाइन से आपकी कॉन्साइड हो गई है नाउ वी विल मेजर द एंगल सो कौन सा हम स्केल uh, यूज करेंगे यू कैन सी हेयर जो हमारे म है जो कॉन्साइड कर रही है हमारी बेस लाइन से वो किस डायरेक्शन में है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड को हमारा यू कैन सी हेर ये हमारा लेफ्ट साइड को जा रही है एक्सटेंड हो रही है तो यहां पर लेफ्ट साइड में हमारा कौन सा स्केल में जीरो है आउटर स्केल में सो आउटर स्केल में जीरो है तो हम कौन सा स्केल यूज करेंगे आउटर स्केल सो कीप इट इन माइंड अब आप देखना कि एक ही स्केल में अब जैसे यहां पर है सपोज यहां पर सेवेंटी आया था वन हंड्रेड टेन आप कौन सा लिखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने रॉन्ग स्केल यूज कर लिया तो आप रॉन्ग एंगल लिखेंगे तो यहां पर कौन सा है आउटर स्केल आप यूज कर रहे हैं तो यहां पर दूसरी आम कहाँ है हमारी हेयर ये पर जा रही है यहां पर जा रही है तो कंसिडर करेंगे यहां पर आपका आउटर स्केल में देखिए आप दिस इज बिटवीन 110 एंड 120, 110 एंड 120 के बीच में आउटर स्केल हम देखेंगे इनर नहीं देख रहे हैं ड्रेड so टेन के बाद हंड्रेड ट्वेंटी तो उसके बीच में ये जो लॉन्ग लाइन है क्या शो कर रही है सो द मेजर ऑफ दिस एंगल इज एंड अगर आप इसको ले लेते हैं बेस लाइन से कौन साइड इस आ, आ, आम को करेंगे देन ऑल्सो वी विल सी कि कौन सा एंगल हमारा आता है कितने डिग्री का आता है तो आना तो वही है बट लेट अस सी आपके लिए ये देखिए हम इस वक्त कौन सा स्केल यूज करेंगे हमारी जो आम है ये वाली आम जो बेस लाइन से कौन साइड कर रही है किस साइड को एक्सटेंड हो रही है टूवर्ड्स राइट साइड जब हम यहां से मेजर कर रहे हैं तो राइट साइड को एक्सटेंड हो रही है और राइट साइड को कौन सा स्केल में हमारा जीरो आ रहा है इनर स्केल में तो अब इनर स्केल को हम देखेंगे तो हमारी आम कहाँ आ रही है आपकी ये आप देखिए हमारी आम अगेन आपकी यहां पर ये यह जीनर स्केल में आप देखिए टेन ट्वेंटी थर्टी यहां पर हंड्रेड टेन और हंड्रेड ट्वेंटी के बीच में आ रही है तो हंड्रेड टेन और ट्वेंटी के बीच में जो लॉन्ग लाइन है ये एक्सटेंड करेंगे तो ये लॉन्ग लाइन के पास आएगी हंड्रेड टेन और ट्वेंटी के बीच में क्या आएगा वन हंड्रेड फिफ्टीन सो आप कहीं से भी मेजर कीजिए सेम एंगल आएगा तो वट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल मेजर ऑफ़ दिस एंगल इज़ डिग्री राइट सिमिलरली सो ये मैं आपको दोनों आम से एंगल मेजर करके दिखा रहा हूं वाई ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा स्केल आप यूज करेंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं जिस आम को लेकर मैं एंगल मेजर कर रहा हूं आप भी वही करें मे भी आप दूसरे आर्म को लेकर भी मेजर कर सकते हैं सो so, दोनों तरह से मैंने करके बता दिया कि एंगल जो है उसका मेजर हमेशा सेम ही आता है क्योंकि एंगल तो आ, सेम ही रहेगा वो चेंज नहीं हो सकता हम कहीं से भी मेजर करें राइट एंड दिस इसको सिंपली हम कर लेंगे मेजर आपका जो सेंटर है वो वर्टेक्स पे बेस लाइन वन आर्म पे को कौन साइड कर रही है दिस अब यहां पर ये आर्म किस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो हम कौन सा जीरो कंसीडर करेंगे आउटर क्योंकि तो इस लाइन में जीरो यहां पर आ रहा है तो आउटर स्केल हम लेंगे और जो arm तो हमारी जो दूसरी आर्म है हमारी जो दूसरी आर्म है वो कहाँ पर आ रही है ये थोड़ा सा हमें Yes, so, इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा वाई बिकॉज जो ये हमारे आम है ये फिफ्टी और सिक्सटी के बीच में आ रही है और इट इज नॉट एक्जैक्टली एट द सेंटर सो हमें थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके देखेंगे एक्सटेंड करने से ये हमको

So let us measure it. Here. So we have choose the outer scale. Outer scale में अब ये कहाँ पर आ रहा है हमारा? You can see uh, outer scale में ये 120 और 130 के बीच में आ रहा है, right? So 120 के बाद 121, 122, 123. So ये हमारा angle क्योंकि 25 नहीं है. ये अगर center में होता तो 25 आ जाता. बट यहां पर ये हमारा आ रहा है ट्वेंटी थ्री पे सो so ये चीज आपने ध्यान देनी है अगर लाइन आपकी नहीं पहुंच रही है आपको क्लियर नहीं हो रहा है एग्जैक्ट एंगल चाहिए आपको तो आपको क्या करना है इसको एक्सटेंड करके आप इस लाइन लाएं पे लाएंगे सो दिस एंगल इज ऑफ वन हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी वन डिग्री राइट सो द मेजर ऑफ दिस एंगल इज 123 हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री डिग्री नाउ द स्ट्रेट लाइन सो ऑलवेज रिमेंबर दैट स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज ऑफ वन एट्टी डिग्री सो आप इसको इसमें आपका सेंटर नहीं दिया है यहां पर आपका सेंटर होना चाहिए राइट right? यहां पर आपका सेंटर पॉइंट होना चाहिए सो so दैट ये आपका एंगल शो करे तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन होती है इट इज ऑलवेज ऑफ 180 डिग्री आप देख सकते हैं आप कोई भी स्केल यूज कर लीजिए इनर और आउटर वाई बिकॉज ये दोनों साइड को ही इसकी आर्म्स से एक्सटेंड हो रही है अगर आप इसको जीरो लेंगे तो दूसरी आर्म जो है इसका वन पे आ रही है अगर आप इसको कंसिडर करेंगे इस स्केल को यूज करेंगे तो यहाँ पर आपकी दूसरी आम 180 पे आ रही है जो स्ट्रेट लाइन होती है ये हमेशा 180 डिग्री की होती है दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज ऑफ 180 डिग्री सो एटी डिग्री सो नाउ आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू दैट हाउ टू मेजर द गिवन एंगल्स एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल Do question number two of this worksheet in which we have to construct the given angles. Thank you.